सब अभी गुलाम हो गया है। एक आईएएस ऑफिसर है, वो अभी शासन चला रहे। हमारे वहाँ ना मंत्री का कोई वैल्यू है, ना विधायक का, कोई कुछ नहीं। वहाँ पे लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस बात को तो केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करना चाहिए इस चीज पे। जो लोग इस देश के आजादी की लड़ाई में शहीद हुए थे, 12 साल, 11 साल, 15 साल, 25 साल के नौजवान, उनका नाम नहीं है, उनको राष्ट्रीय सम्मान आज तक नहीं मिला है। ऑफिशियली उनका जन्म जयंती, उनका पुण्यतिथि देश पालन नहीं करते। बोलते हैं कि पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे, मंगल पांडे पहले क्रांतिकारी नहीं थे। पहले क्रांतिकारी बिहार के तिलका मांझी जी थे। जो मंगल पांडे जब पांडे जी जब जन्म नहीं हुए थे, उससे 70 साल पहले वो आंदोलन शुरू कर दिया। तकलीफ का बात, ये 11 मेरा पास उतना जगह नहीं था, मैं इतने सारे क्रांतिकारियों को यहाँ पे इनका कटआउट नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन 11 क्रांतिकारियों को मैं रखता हूँ। इनके साथ जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो लगता है कि ये लोग भी मेरे साथ। झारखंड में आ रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि झारखंड में बहुत सारी जगह में आज नौजवानों को पता नहीं ये कौन थे। मेरे को बोलते थे कि ये कौन है, तो उस समय मुझे ज्यादा तकलीफ होता था कि जो लोग देश के लिए शहीद हो गए 12 साल 25 साल की उम्र में, आज देश का युवा को पता नहीं ये लोग कौन थे। तब अगर हम लोग 75 साल में ये हाल है, जो 100 साल का आजादी हम लोग मनाएंगे, तब इनको कोई पूछेगा भी नहीं, इनके बारे में नाम ही नहीं। नायक जी का अगर तुलना किया जाए नवीन पटनायक जी के, तो बीजू पटनायक जी के 1% के बराबर भी नहीं है। छोटा सा रथ में बनाया हूँ, ये रथ का वजन लगभग 1.5 क्विंटल है। इसको मैं उड़ीसा राउरकेला से 16 मई से पैदल खींचते हुए लेके जा रहा हूँ दिल्ली पीओमा तक। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कोशिश करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा इन तमाम क्रांतिकारियों को उचित सम्मान दे, उनको राष्ट्रीय सम्मान दे, ऑफिशियली राष्ट्रीय सम्मान दे। शक्तिकांत विश्वाल, मैं उड़ीसा राउरकेला का रहने वाला हूँ। मैं 16 मई से राउरकेला से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव के गोद दिल्ली तक। यह हाईवे है जो कोलकाता से चलकर दिल्ली तक जाता है, और यह जो शख्सियत है, इनकी अपनी कहानी और इनकी अपनी मांग अपने आप में कुछ अनोखी है। अनोखी इसलिए कि जिस समय नेता, समाज के अलग अलग ठेकेदार अपनी अपनी बात और अपनी अपनी जागीर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हों, उस समय कोई शख्स पैदल यात्रा करके, वो भी उड़ीसा के राउरकेला से निकलकर दिल्ली तक प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और उस कोशिश में शुमार हैं ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, आज़ादी अंग्रेजों से, लेकिन असली आज़ादी तब शायद मिलेगी जब उनका मान सम्मान होगा, और उसके अलावा हर एक को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी होगी। तो सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मुक्तिकांत विश्वाल, मैं उड़ीसा राउरकेला का रहने वाला हूँ। मैं 16 मई से राउरकेला से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो मुक्तिकांत जी, ये यात्रा आपने सोची कैसे? देखिए, ये यात्रा करने के लिए मैं 3 साल से सोच रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोग सोशल मीडिया में, न्यूज में देखते हैं, बाकी जितना सारे हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर है, उनका जितना प्रचार प्रसार होता है, जो लोग इस देश के आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए थे 12 साल, 11 साल, 15 साल, 25 साल के नौजवान, उनका नाम नहीं है, उनको राष्ट्रीय सम्मान आज तक नहीं मिला है। ऑफिशियली उनका जन्म जयंती, उनका पुण्यतिथि देश पालन नहीं करते हैं, तो बहुत तकलीफ होता है कि आने वाले पीढ़ी को पता कैसे चलेगा कि देश के लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई में कितने लोग शहीद हुए थे। पूरे देश से, खाली यूपी या पंजाब से शहीद नहीं हुए थे, पूरा देश से शहीद हुए थे क्रांतिकारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग बोलते हैं कि पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे, मंगल पांडे पहले क्रांतिकारी नहीं थे। पहले क्रांतिकारी बिहार के तिलका मांझी जी थे। जो मंगल पांडे जब पांडे जी जब जन्म नहीं हुए थे, उससे 70 साल पहले वो आंदोलन शुरू कर दिए थे। तो ऐसे तमाम क्रांतिकारी है जो आज के डेट में उनको राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है, उनको नेशनल लीडर का दर्जा नहीं मिला है। इसी के लिए ये एक छोटा सा रथ में बनाया हूँ, ये रथ का वजन लगभग 1.5 क्विंटल है। इसको मैं उड़ीसा राउरकेला से 16 मई से पैदल खींचते हुए लेके जा रहा हूँ दिल्ली पीओमा तक। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कोशिश करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा
इन तमाम क्रांतिकारियों को उचित सम्मान दे, उनको राष्ट्रीय सम्मान दे, ऑफिशियली राष्ट्रीय सम्मान दे। तो एक एक बड़ी बात है, आप 1.5 क्विंटल का ये पूरा का पूरा रथ, मतलब मैं कहूँ कि जब इन क्रांतिकारियों के कटआउट को लेकर इस रथ की परिकल्पना की जाती है तो यह 1.5 क्विंटल का रथ अपने आप में बड़ा हो जाता है जब इन क्रांतिकारियों का कटआउट लगता है। तो इसको आप हाथ से खींचते हुए आ रहे हैं, कितनी तकलीफ झेली आपने अब तक? जी तकलीफ होता था लेकिन उतना नहीं होता है। जब मैं जब इनका बारे में सोचता हूँ कि मैं जब झारखंड में आ रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि झारखंड में बहुत सारी जगह में आज नौजवानों को पता नहीं ये कौन थे, मेरे को बोलते थे कि ये कौन है। तो उस समय मुझे ज्यादा तकलीफ होता था कि जिन लोग देश के लिए शहीद हो गए 12 साल 25 साल की उम्र में, आज देश का युवा को पता नहीं ये लोग कौन थे। तब अगर हम लोग 75 साल में ये हाल है, जो 100 साल का आजादी हम लोग मनाएंगे, तब इनको कोई पूछेगा भी नहीं, इनके बारे में नाम ही नहीं रहेगा। तो आप बोल रहे तकलीफ का बात, ये 11 मेरा पास उतना जगह नहीं था, मैं इतने सारे क्रांतिकारियों को यहाँ पे इनका कटआउट नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन 11 क्रांतिकारियों को मैं रखता हूँ। इनके साथ जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो लगता है कि ये लोग भी मेरे साथ चल रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि लगा है आप अकेले नहीं, आप मैं ऐसा जगह आया है जहाँ पे मुझे खाने के लिए पीने के लिए पानी नहीं मिला है, लेकिन अचानक से कोई आएगा पास में मुझे खाना और पानी दे के चला जाएगा, ऐसा सब हुआ है मेरा साथ में। और देश का जब तिरंगा जब लहराता है तो ऑटोमेटिक एक पावर आ जाता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ी बात है, तिरंगे के नीचे एक महान शख्सियत है बीजू पटनायक जी। अगर उड़ीसा की बात हो और बीजू साहब की बात ना हो तो बिल्कुल बेमानी होगी। तो क्या लगता है इनकी तस्वीर का मकसद क्या है? इनका तस्वीर का लगाने का यह मकसद है कि बीजू पटनायक जी उड़ीसा के सीएम तो थे, पूर्व सीएम थे, लेकिन वो इस देश के आजादी या आजादी के बाद उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति, उनको जब कच्छ लोग जब उनको अगवा करके ले गए थे, उनको लेके आने सुरक्षित लेके आना, जब इंडिया पाकिस्तान का पहला वार चला था, पंजाब रेजिमेंट को लेके कश्मीर में पहुंचाना, वो एक पायलट थे, अपना प्लेन में उनको पंजाब रेजिमेंट को लेके जाना। 71 वार बांग्लादेश जब आजाद हुआ उस समय में भी बहुत बड़ा योगदान बीजू पटनायक जी का है। वो एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे, वो एक देशभक्त थे। उनको आज तक भारत रत्न नहीं मिला है। उड़ीसा के लोग, उड़ीसा के आम जनता बीजू पटनायक जी को बहुत प्यार करते हैं, वो उनका बहुत दिनों से मांग है। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर अपने अपने ओर से प्रयास किए हैं, सरकार तक बात पहुंचा है कि बीजू पटनायक जी को भारत रत्न दिया जाए। मैं जब सोचा कि सब प्रयास कर रहे हैं तो मैं भी जब दिल्ली जा रहा हूं तो इनके लिए भी छोटा सा प्रयास करूं। ये बड़ी बात है, शायद आप जिस माटी में पैदा हुए हैं उड़ीसा की उस माटी से, जहां बीजू पटनायक जी ने थोड़ा बहुत अपना जो योगदान दिया है उसको बड़े तरीके से आंकने का आपका भारत रत्न वाला जो काम है ये शायद इसमें तो गिना जाएगा। जब हम आगे चलेंगे कुछ लोगों की और बात करेंगे, आपको चाहेंगे कि आप खुद परिचय कराएं। आपने चंद्रशेखर आजाद जी का लगाया है, ठीक है, मानते हैं कि आप जिस जगह से गुजर रहे हैं इस समय यह इलाका इन्हीं का था पहले। जी जी, उनका तो जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है लेकिन उनका कर्म, उनका जो संघर्ष उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी अगर कहा जाए तो ये चंद्रशेखर आजाद जी का मिट्टी है। बड़ी दुख की बात है, जब मैं कहीं पढ़ा था आजादी के बाद उनकी माँ जीवित थी लेकिन उनका माँ अपना गुजारा करने के लिए भीख मांगना पड़ता था। ये हमारा देश, जब मैं सुना ये बात, जब कहीं पे यूट्यूब या मैं कहीं पे पढ़ा था तो उस दिन मेरे को बहुत तकलीफ हुआ कि मैं जिंदा क्यों हूँ ऐसा देश में, जो इतने बड़े क्रांतिकारी उनका माँ भीख मांग के अपना गुजारा करना पड़ता। तो आगे बढ़े, आज हम लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, अशफाक उल्ला खान उस समय जात धर्म से आगे बढ़ के देश के लिए काकोरी कांड में शहीद हुए थे, फांसी में चढ़ गए थे अशफाक उल्ला खान। बंगाल के खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में फांसी में चढ़ गए। उड़ीसा के बाजीराव, अगर हम लोग बोलेंगे क्रांतिकारियों का जब बात आएगा तो 11 साल का बच्चा ब्रिटिश के फोर्स के सामने खड़े होते हैं, उनको कहते हैं उनका ब्रिटिशर के फोर्स की आप नदी पार करवाइए नहीं तो हम लोग गोली मार देंगे, क्योंकि ये उस दिन जो नदी का जो घाट था, पंचायत का ऑर्डर था कि इनका परिवार उस दिन वहां पे घाट जो पहरा देने का, तो उनके तरफ से बाजीराव उस दिन वहां पे थे। बाजीराव कहते हैं कि हम पार नहीं करेंगे, पंचायत का ऑर्डर है, आप गोली चलाना है गोली चलाइए। वहीं पे गोली
चलता है वहीं पे शहीद हो जाता है। 11 साल का बच्चा आज तक तो वही अगर आंख दिखा देगा तो बच्चा भाग जाता है। और एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आमको सिमको, ये आमको सिमको आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। राउरकेला के पास, उड़ीसा के राउरकेला के पास में एक जगह है रावी बगा, वहां पे एक आदिवासी क्रांतिकारी होते थे, निर्मल मुंडा उनका नाम था। उनके नेतृत्व में हजारों के संख्या में आमको सिमको एक गाँव है, अभी भी जंगल के बीच में वो गाँव है, वहां पे ब्रिटिशर के खिलाफ एक मीटिंग हुआ था 25 अप्रैल 1939 में। उस दिन चारों तरफ से ब्रिटिशर वहां पे घेर के उनको अंधाधुंध फायरिंग किया गया था, क्योंकि वहां कहा जाता है कि हजारों की संख्या में वहां पे लोगों का जान गया था। मतलब दूसरा जलियांवाला कांड उड़ीसा का, हमारा उड़ीसा के लोगों का मांग है कि उस जगह को जो दूसरा जलियांवाला कांड का दर्जा दिया जाए। इधर ये आपने, हाँ, ये बिजू पटनायक जी को भारत रत्न के लिए जो पूरा उड़ीसा का खुले खुले तौर पर आपने लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब बिजू पटनायक जी का जो बोलते हैं ना भक्त है, बिजू पटनायक जी का पार्टी का भक्त, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, मैं बिजू पटनायक जी का पार्टी का जो उनके नाम से जो पार्टी चल रहा है तो उस पार्टी को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। अब पार्टी अगर अच्छा काम करेगा उसको समर्थन करेंगे, लेकिन हम लोग बिजू पटनायक जी को समर्थन करेंगे। आगे आइए, ये तो हर नौजवान इनके लिए रोता है और क्या बोलूंगा, इनके लिए शब्द नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये आज जो करके गए, इनके इनका बारे में हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं, लेकिन सभी बड़ी दुख की बात है, इनको भी आज तक ऑफिशियली नेशनल लीडर का दर्जा नहीं मिला। रानी लक्ष्मीबाई, नारियों की जो बात होती है तो रानी लक्ष्मीबाई को कैसे हम लोग भूल सकते हैं, अपने कंधे में बच्चा रख के ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ाई किए थे। ये हमारे देश के पहले क्रांतिकारी तिलका मांझी, जो आज इतिहास में उनका नाम नहीं है, थोड़ा बहुत लोग जानते हैं तिलका मांझी कौन थे, इतने वीर हमारे देश में पैदा हुए हैं, और बहुत सारे क्रांतिकारी जो मैं भी नहीं जानता हूँ। ये मेरा गलती नहीं है, ये सरकार और इस सिस्टम का गलती है जो इन क्रांतिकारियों को लोगों के सामने आने में रोका गया। एक बड़ी बात है, आज जब मोदी सरकार बोलती है कि हम अमृत काल की यात्रा करते हैं, उस अमृत काल में राष्ट्रवाद पूरी तरीके से कुलाचे मार रहा है, तब आप इन 11 ऐसे महापुरुषों के साथ चल रहे हैं, इनकी संख्या कई हजारों में होगी, क्योंकि उस समय शहादत देने में हर गांव, हर बच्चा, हर माटी अपने अपने तरीके से अपना योगदान दे रही थी। तो जब आप भगत सिंह जी के बारे में बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप उस जीवन काल में चले गए हैं जब वो मेरा रंग दे बसंती चोला कभी चल रहा होगा गाना। तो इस रास्ते में कई राज्य आए, तो हर राज्य के लोगों का रवैया कैसा था? देखिए, मैं आपको पहले ही बोला कि झारखंड से जब मैं आ रहा था, अभी दुख इस बात का है, युवा धीरे धीरे भूल रहा है इनको, जो ये लोग जिस उम्र में देश के लिए शहीद हो गए, आज वही उम्र के लड़का लोग, वही उम्र के नौजवान इनको भूल रहे हैं। लेकिन और एक अच्छी बात है, जब मैं वहां से आया, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा हूँ, तो जब लोगों को पता चल रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, ये आंदोलन के बारे में उनको जब पता चल रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही आंदोलन है, ये होना चाहिए, बड़ी दुख की बात है ये हुआ नहीं है। तो कहीं ऐसा हुआ कि रास्ते में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जैसे हम लोग तो आपकी जानकारी ले रहे हैं, कोई ऐसा भी आया जिसने आपको रोका हो? नहीं, ऐसा कहीं भी हुआ नहीं है, बस जहां भी मैं गया हूं लोग सपोर्ट किए हैं, कहीं भी आज तक, आज 45 दिन हो गया, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हुआ। 45 दिन में कितना पैदल चल लिए? लगभग 800 किलोमीटर आ गया हूँ। 800 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं 45 दिन, और 600 किलोमीटर जैसा है, तो मैं 1 अगस्त तक पहुँचने के लिए लक्ष्य रखा हूँ दिल्ली। तो आप 1 अगस्त तक पहुँच जाएंगे, मतलब 30 दिन की और यात्रा मान जी। हाँ, 32 दिन का और यात्रा बाकी रह गया, 32 दिन की हो गई है। तो लगभग अगर ऑनलाइन एवरेज देखूँ तो आप 15-20 किलोमीटर रोज चल रहे हैं। 20 किलोमीटर मतलब एवरेज तो 20 किलोमीटर ही आ रहा है। राहुल गांधी तो 25 किलोमीटर चल रहे थे। नहीं, वो राहुल गांधी है, उनके साथ में एक पूरा काफिला चल रहा था, और उनके पास सब कुछ, वो उनके जैसा मैं नहीं हो सकता हूँ। मतलब राहुल गांधी 25 तो आप 20 चल रहे हैं अपनी ताकत से। वो राहुल गांधी है, मैं एक आम इंसान हूँ। तो सपोर्ट कोई करता है आपको इस यात्रा में? साधारण लोग, जो आम इंसान है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के बहुत सारे लोग सपोर्ट किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सारे पार्टियों की, कांग्रेस, बीजेपी और मतलब सपा, जितने सारे पार्टी के लोग मिलते हैं वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। एक बड़ी अच्छी बात है, बीजू पटनायक जी उड़ीसा किसान जी,
और अब नवीन पटनायक जी, कितना फर्क है दोनों लोगों की राज में? बीजू पटनायक जी का अगर तुलना किया जाए नवीन पटनायक जी के, तो बीजू पटनायक जी के 1% के बराबर भी नहीं है नवीन पटनायक जी। वो एक मतलब 100 साल आगे क्या होगा उड़ीसा उसके बारे में सोचते थे। वो इस तरह जो शासन चला रहे हैं घर के अंदर में रह के, उस इस तरह शासन नहीं करते। वो लोगों के बीच जाते थे, समस्या क्या है वो जानने के लिए कोशिश करते थे। ये घर के अंदर शासन चलाने वाली बात, वो एक नवीन निवास है हम लोग जहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं, तो 4 दीवारी के अंदर में वो शासन है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि उड़ीसा अभी गुलाम हो गया है। एक IAS ऑफिसर है वो अभी शासन चला रहे, हमारे वहाँ ना मंत्री का कोई वैल्यू है ना विधायक का, कोई कुछ नहीं। वहाँ पे लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस बात को तो केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप करना चाहिए इस चीज पे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री की बजाय कोई नौकर शाह आज की तारीख में उड़ीसा चला रहा है। एक नौकर शाह अपना पूरा CM का पावर लेके पूरा उड़ीसा में घूम रहा है। ऐसा क्यों? पूरा ऐसा इसीलिए कि वहाँ पे CM हमारे नवीन पटनायक जी का जो इमेज है, बहुत बड़ा इमेज है, उनके नाम में वोट है, तो उसी का फायदा आज एक एक IAS ऑफिसर उठा रहा है और उसी का नुकसान हो रहा है विधायकों का। विधायक डर रहे हैं कि हम लोग को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग और विधायक नहीं होंगे, क्योंकि उन विधायक के नाम में वोट नहीं है, वोट है CM के नाम में। तो कहीं ना कहीं ये जो नौकर शाह है CM की इमेज को भी तो खत्म कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि CM हमारा अभी क्या है ना, हम उड़ीसा के जो CM है बहुत अच्छे इंसान है, अभी उम्र एज हो गया है तो उनका हाथ पे ठीक से नहीं चल रहा है, वो बोल ठीक से नहीं पाते हैं, चल नहीं ठीक से पाते हैं। तो उसके वजह से आज एक 4 दीवारी के अंदर में कैद होकर रह गए हैं। जैसे हाउस अरेस्ट किया जाता है उसी तरह हमको लगता है कि हाउस अरेस्ट है अभी। जब वो IAS ऑफिसर को जब जरूरत पड़ता है तो हमारे CM को बाहर लाते हैं, हाथ हिला देते हैं और उनका एक कॉमन डायलॉग है, आपन माने खुशी, तो बस वही बोलते हैं और निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी उनका ऑडियो चल रहा है, जब भी कहीं पे सभा होता है, मंच होता है, तो कोई विधायक कोई मंत्री नहीं जाता है, एक IAS ऑफिसर जाते हैं वहाँ पर। वो अपना जो योजना है, जो भी प्लानिंग है, जो भी मीटिंग होगा, तो वो IAS ऑफिसर वहाँ पे स्पीच देते हैं और CM जी का एक ऑडियो वहाँ चला देते हैं। मतलब CM ना हो करके अब ऑडियो से संदेश से, बस ऑडियो से हम लोग का अभी शासन चल रहा है। तो अभी जो यात्रा है, यात्रा दिल्ली पहुंचेगी, तो दिल्ली में आप क्या करेंगे, किससे मिलने वाले हैं? मैं प्रधानमंत्री के ऑफिस में अप्लाई किया हूं अपॉइंटमेंट के लिए, और वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा कि मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले वहां पहुंचूंगा, उसके बाद अगर नहीं मिलता है उसके आगे क्या करना है उन पे पहुंचने के बाद। अब एक बड़ी बात है, अब आप रास्ते में चल रहे हैं, एक तरीके से राउरकेला से आप उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हुए, कुछ आम इंसानों का जो आप जैसी सोच रखते होंगे रास्ते में चल रहे हैं, तो उड़ीसा के लिए लोगों के दिल में क्या भावना है अलग अलग? जितने सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ कि उड़ीसा के जो शासन है वो जो देख रहे हैं वो शासन उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से 2-3 साल हो गया, अभी वो IAS ऑफिसर जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, IAS ऑफिसर अपना पूरा कंट्रोल में उड़ीसा के शासन को रख दिया है। नहीं तो उड़ीसा का शासन बहुत अच्छा शासन है, हमारे जो CM है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ हमारे CM बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका उम्र हो गया है, वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहे। ये बड़ी बात है। ये मुक्तिकांत विश्वाल जी थे, हम एक यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा ऐसी यात्रा है जो हमारे देश को आजाद करने वाले लोगों को सम्मान दिलाने के नाम की यात्रा है। विश्वाल जैसे लोग हमारे देश की जरूरत इसलिए है कि आज जब लोग मोबाइल पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर घूम रहे हैं, उस समय जमीन पर पैदल चलते हुए हर माटी की तासीर को समझने की कोशिश करते हुए और सीधी मुखर आवाज में बिना किसी राजनीतिक भावना और द्वेष के अपने लोगों की बात साफ तौर पर कर सके, वही आजाद भारत की परिकल्पना इन लोगों की थी, जहां बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी और जीने की आज़ादी थी। आज़ादी अंग्रेजों से थी, उनसे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ने की थी, और आज यह आज़ादी कहीं न कहीं उनको सम्मान दिलाकर फिर से वापस उसी बसंती रंग में भारत को रंगने की एक कोशिश है। यह कोशिश हर जगह बढ़नी चाहिए
और आज हमें लगता है कि हमारी गांव की गूंज दिल्ली तक वाले मुहिम में या विश्वाल साहब की मुहिम एक गूंज साबित होगी, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर देश के सचेत राजनेता विचार जरूर करेंगे कि क्यों नहीं ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाता है। इनके नाम पर हर जगह मूर्तियां तो रखी गई हैं, लेकिन इनके सम्मान को लोग आज भी झुठला रहे हैं। देखते रहिए, जुड़े रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। बहुत बहुत धन्यवाद।